एग्जाम प्रिपेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं यू पी पी एस सी आर ओ आर ओ टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे इससे पहले के जो भी प्रश्न हैं जो सेट इससे रिलेटेड है वो सारे प्ले में अवेलेबल हैं जो भी बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ इस चैनल पर तीन प्ले बनी हुई है आपको तीनों फॉलो करना है आप यू पी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं यू पी वाला प्री अपर निजी सचिव और इसके साथ साथ आर ओ आर अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो डे वाइज सीरीज दोपहर एक बजे चल रही है रात को नौ बजे प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ आ रही है आर ओ आर ओ के लिए सब्जेक्ट वाइज है ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको सारी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है और रेगुलर एक बजे और रात को नौ बजे वाली क्लास करते रहना है कोई भी मिस नहीं करनी है इसके साथ साथ शॉर्ट्स में मैं जो भी जी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो कम्प्लीट कराती हूँ तो चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और सूची के अंत में जो भी कूट दिए गए हैं ऑप्शंस उनके अकॉर्डिंग इनको मैच करना है तो फर्स्ट लिस्ट देखिए उसमें ऑप्शन है हड्डियों में उपस्थित क्या उपस्थित होता है ये पूछा गया है बी है सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है सी दूध का खट्टा होना इसका क्या कारण है और डी है फलों का पकना सूची दो में देखेंगे लैक्टिक एसिड है एथिलीन है एसिटिक एसिड और कैल्शियम फॉस्फेट है देखिए इस तरीके के प्रश्न साइंस के ये रिपीट होने वाली कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जो अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं और मुझे नहीं लगता ये प्रश्न आपको गलत करने चाहिए क्योंकि बहुत ईजी है बार बार पूछे गए हैं इसलिए तो हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट फोर सिरका में क्या होता है एसिटिक एसिड विनेगर आप लोग जानते हो ना आप लोग मार्केट से लाते भी हो विनेगर यूज़ होता है वाइट विनेगर लाते हो वैसेटिक एसिड ही होता है दूध का खट्टा होना होता है लैक्टिक एसिड की वजह से और फल पकते हैं एथिलीन की वजह से ये सारे आप ऑप्शन जब मैच करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए का फोर बी का थ्री सी का वन और डी का टू होगा आगे देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है अर्थात बाकी के तीन मैच होंगे एक ही इसमें गलत है वाइटमिन ए रतौंधी दिया गया इसकी वजह से विटामिन ए की कमी से मतलब डेफिशियंसी से रतौंधी हो रही है बी ऑप्शन में दिया गया विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा होता है और फिर विटामिन सी की कमी से उसमें माफ कीजिएगा सी ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से वर्णांधता दी गई है और डी है फोलिक एसिड की कमी से रक्त होती है अब इंग्लिश वाले समझ लीजिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस दिया गया है बी थ्री से पिलाग्रा दिया गया है वाइटामिन डी से वर्णांधता दिया गया है फॉलिक एसिड मतलब एनीमिया तो यहाँ पर जो वाइटामिन डी दिया गया यही गलत दिया गया और यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विटामिन डी की वजह से होता है ऑस्टियोमेलेसिस ठीक है ऑस्टोमेलेसिया जो आपने पढ़ा था हड्डियाँ कमजोर होने लगती है किसकी वजह से विटामिन डी की कमी से ये वयस्क में होता है बच्चों में कोश्योरकर हो जाता है ठीक है तो अब यह वर्णांधता दिया गया कलर ब्लाइंडनेस इसकी वजह से नहीं होता है ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से होता है तो विटामिन डी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा अब बात करते हैं अगले प्रश्न की नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है ठीक है ए है गेहूँ बी है धान सी है चना डी है सरसों देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका उपयोग किया जाता है धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एज अ उर्वरक जैव उर्वरक की प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी करेक्ट है धान नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है देखिए डिजीज़ और उसके कॉजेज़ मैं करा चुकी हूँ डे वाइज सीरीज़ में आपको सारी डिजीज़ प्रिपेयर होनी चाहिए उनके कॉजिंग इजेंट चाहे वो वायरल डिजीज़ हो बैक्टीरियल डिजीज़ हो अर्थात मतलब हमने क्या किया है डिजीज़ को कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा हुआ है जैसे कि कम्युनिकेबल हो गया नॉन कम्युनिकेबल हो गई कुछ जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं ना इस तरीके से तो ये सब पढ़ा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग है तो यहाँ पर बात करें बर्ड फ्लू का कारक पूछा जाता है जैसे कुछ वायरस से होती हैं बीमारियाँ कुछ क्या हो गया जीवाणुओं से होने वाली होती है जिसे बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं ये अलग अलग तरह की डिजीज़ है सबको पढ़ना और सबके कारक पढ़ने हैं यहाँ पर बर्ड फ्लू का कारक पूछा गया है ऑप्शन ए है एच फाइव एन वन बी है एच वन एन वन सी है जी का डी है रेट्रो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एच फाइव एन वन ठीक है ये किसका हो जाएगा बर्ड फ्लू का आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का स्रोत है पाइन, बी है करंज सी है फर्न या इनमें से कोई नहीं तो हरित ईंधन का जो स्रोत है ठीक है वो है करंज ऑप्शन बी करेक्ट होगा अगला प्रश्न है दश दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है ए है लाल बी है पीला सी है नीला डी है बैंगनी ठीक है जब दृश्य वर्णक्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है सबसे कम तरंग दर्द वो होती है बैंगनी की तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी लाल वाले की ऑप्शन डी करेक्ट है आप ऐसे याद रखिए वेबक्योर इससे आपको सारे कलर याद रहेंगे ठीक है सबसे ज़्यादा आप देखेंगे वेवलेंथ किसकी है रेड की तो सबसे कम किसकी होगी वायलेट की इसके बाद अगर आप बैंगनी वाले की अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी तो वो हो जाएगी इसकी और यहाँ पर सबसे कम किसकी हो जाएगी रेड वाले की तो इस तरह से ये क्रम है ये क्रम आपको याद रखना है तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है अर्थात ऐसी राशि जिसकी दिशा भी होती है ए है समय बी है चाल सी है विस्थापन डी है दूरी ठीक है तो सदिश राशि में आएगा विस्थापन ठीक है सदिश राशि क्या हो जाएगी विस्थापन उसके अलावा समय चाल और दूरी ये अधिस राशि है ठीक है आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर एक प्रश्न है एक भारहीन गुब्बारे में दो ग्राम जल भरा गया है इसका जल में भार होगा ए है शून्य बी है सौ ग्राम सी है दो सौ ग्राम डी है फोर हंड्रेड ग्राम देखिए अगर भारहीन गुब्बारा है और इसमें जल भर दिया गया और फिर से उसको जल में रखा गया है तो जल में इसका भार क्या होगा गुब्बारा जब भारहीन है तो उसका भार भी क्या हो जाएगा जल में भी शून्य ही होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है ए है लोहा बी है जस्ता सी है गंधक डी है मैग्नीज तो आयरन जिंक और मैग्नीज ये सूक्ष्म तत्व हैं और उसके अलावा जो ये गंधक दिया गया ये नहीं है ऑप्शन सी करेक्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है अब इसमें देखते हैं ये तत्व भी मैंने आपको कराए हुए हैं साइंस वाले पार्ट में पहला है क्लोरोफिन ये मैग्नीशियम इसका दिया गया हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है खाने के नमक में सोडियम होता है और बोला गया है कपड़े धोने का सोडा इसमें पोटेशियम होता है और यही सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट तो यहाँ पर कपड़े धोने के सोडे में क्या होगा कार्बोनेट होता है सोडियम कार्बोनेट ये आपको याद रखना है नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिन्होंने भी डेवाई सीरीज़ की है वो आसानी से कर सकते हैं इन प्रश्नों को निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है ए है कार्बन डाइऑक्साइड बी है सल्फर डाइऑक्साइड सी है नाइट्रोजन और डी है एथिलीन तो एथिलीन रट लीजिए बिल्कुल कि फल को पकने में हेल्प करता है एथिलीन ऑप्शन डी करेक्ट है अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता विटामिन ए है विटामिन सी है विटामिन डी है या विटामिन ई e है तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों शरीर में भंडारित नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था ये जल में घुलनशील विटामिन है वाटर सॉलेबल है इसलिए तो अगर वाटर सॉलेबल है तो यूरिन के थ्रू ये आपकी बॉडी से निकल जाते हैं ठीक है बाकी क्या होते हैं विटामिन ए डी ई e, के ये वसा में घुलनशील है इसलिए आपके शरीर में भंडारित हो जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा विटामिन सी याद रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबॉल्ट होता है बहुत इजी इजी से प्रश्न है ये आप याद कर सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरह या जैसे भी याद करना है इनको बिल्कुल रट लीजिए हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न गलत होने की संभावना होनी ही नहीं चाहिए विटामिन के विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी सिक्स या फिर विटामिन बी टू तो देखिए विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट होता है और इसको साइनो कोबाइलमिन इसका साइंटिफिक नेम है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाइलमिन तो विटामिन बी ट्वेल्व में क्या होता है कोबाल्ट होता है बाकी के जो भी विटामिन दिए गए इनके रासायनिक नाम आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका है विटामिन ए का विटामिन बी ट्वेल्व का विटामिन सी का या विटामिन डी का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है देखिए जो भी बच्चे विटामिन और ये प्रोटीन वगैरह नहीं प्रिपेयर किए हैं या इनकी डिफिशियंसीज इनके सोर्सेज नहीं प्रिपेयर किए हैं ज़रूर कर लें देखिए कितने प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और ये टॉपिक इसीलिए मैंने आपको कंप्लीट भी करा दिया है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से बी ऑप्शन है जड़ों से सी है बिना पके फल के लेटेक से या फिर डी है पके फल के लेटेक से तो अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके वाले फल के लेटेक से तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है एटीएम से क्या तात्पर्य है एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है ऑप्शन ए इज़ ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन ऑप्शन बी इज़ ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन या फिर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन डी है एडवांस्ड ट्रांजेक्शन मशीन याद रखिए ए का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन सी इज़ राइट राइट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है ए है हाइड्रोजन बी है हीलियम, सी है नाइट्रोजन या फिर डी है नियॉन तो हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी इज राइट अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक कथन दिया गया है दूसरा उसका कारण दिया गया है कथन देखिए दिया गया है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है इसका कारण दिया गया क्योंकि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलेटोनिन का उत्पादन अधिक होता है अब इसके अनुसार बताना है कौन सा उत्तर सही है अब इसके जो कूट दिए गए हैं उसके अनुसार देखेंगे देखिए कथन तो सत्य है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है लेकिन इसका जो कारण दिया गया तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलेटोनिन का उत्पादन होता है ये गलत दिया गया है तो कारण गलत है केवल कथन सत्य इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा ए सत्य है किंतु आर गलत है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं लाल स्याही बनाई जाती है ए है फिनॉल से बी है एनिलीन से सी है कॉन्गोरेट से और डी है इोसीन से तो याद रखिए लाल बनाई जाती है इो से ऑप्शन डी इज राइट अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ होगा और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है रख लीजिए ए है मेथल मेथाइल एल्कोहल बी ऑप्शन है फॉसफजीन सी है मिथाइल आइसोसाइनेट और डी है एमाइन तो भोपाल गैस त्रासदी में एक यौगिक था मिथाइल आइसोसाइनेट ये इससे संबंधित है इसी का रिसाव हो गया था ऑप्शन सी इज राइट अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है ए है सोडियम थायोसल्फेट बी है बोरेक्स सी है सोडियम टेट्राथायोनेट और डी है अमोनियम मोलिवडेट देखिए सारे ही लवड़ अम्ल शार सब कुछ मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और यहाँ पर बोरेक्स सोडियो सोडियम टेट्रा थायोनेट इन सबका मैं रासायनिक सूत्र इनका प्रयोग सब कुछ करवा चुकी हूँ यहाँ पर मुझे सिर्फ उत्तर बताना है वो ये है ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी को स्थिर रखने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट ऑप्शन ए करेक्ट होगा तो यहाँ तक हमने कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होने वाले कैटेगरी में आते हैं अर्थात बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए अदर जो क्वेश्चंस के लिए वीडियोस आते रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ते रहिए प्रिपरेशन करते रहिए और डे वाइज सीरीज़ के साथ साथ ये प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ फॉलो करते रहिए है। मिलते हैं अगले क्लास में धन्यवाद